कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। बिंदु 1 पाई बाय 4 से जाने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि किसी बिंदु P एक्स वाई पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता वाई बाय एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाय एक्स है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दी है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास में दी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में है कितनी y बाय एक्स माइनस कॉस स्क्वायर y बाय एक्स मतलब dy बाय dx दिया है y बाय एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाय एक्स। मान लेंगे माना कि वाई इक्वल टू मान लिया हमने कि वाई इक्वल टू वी एक्स। इसका हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 वी प्लस वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी बाय डी एक्स। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 ये समीकरण नंबर हमारे पास 2। डी वाई बाय डी एक्स ये भी डी वाई बाय डी एक्स इसकी जगह पर हम इसे रख सकते हैं। तो अब हम क्या समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर जब समीकरण 1 में अपन मान रखेंगे तो समीकरण 1 का मान होगा डी वाई बाय डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो इसकी जगह लिखेंगे हम क्या वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबरी से वाई बाय एक्स। अब y की वैल्यू तो हम लिखेंगे कितनी वी एक्स बाय एक्स माइनस कॉस स्क्वायर y की वैल्यू हम लिखेंगे वी एक्स बाय एक्स। इसको हल करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबरी से x कटेगा v माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वी। कारण कि यहां भी एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया यहां भी एक्स से एक्स कट गया। तो अब आपके पास में दोनों पक्षों में भी है दोनों पक्षों से भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबरी से माइनस कॉस स्क्वायर वी। इसी कॉस स्क्वायर वी को अगर इधर ले आए और एक्स बाय डी एक्स को दाहिनी तरफ ले जाए तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। ये क्या हो जाएगा डी वी बाय कॉस स्क्वायर वी ठीक इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। इधर जाएगा तो ये माइनस साइन पहले से था डी एक्स बाय एक्स। इसी को हम चेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते वन बाय कॉस स्क्वायर वी को हम किस में सेक स्क्वायर वी में कन्वर्ट कर सकते डी वी इक्वल टू क्या माइनस हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन भी कर ले ठीक। अब हमारे पास जो वैल्यू होगी आगे देखिए सेक स्क्वायर वी डी वी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा टेन वी माइनस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी। अब हम में से सब जानते क्या कि वाई बराबरी से हमने क्या लिखा था वी एक्स। तो जब वी आ गया तो वी को हम क्या लिख सकते हैं वाई बाय एक्स मतलब यहाँ वी को हम वाई बाय एक्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा
10 y by x equals to minus log x प्लस सी, क्योंकि यह वक्र, ये जो वक्र है, क्योंकि यह वक्र कौन से बिंदु 1, π/4 से होकर जाता है, यह इससे होकर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में x की जगह पर 1, अतः हम क्या लिखेंगे, x बराबरी से 1 और y बराबरी से π/4, इस वैल्यू को हम रख देंगे। जब इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, देखिए 10π/4 by 1 equals to minus log 1 plus c, pi by 4 की वैल्यू हम जानते हैं 1, minus log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0, तो किसकी वैल्यू, c की वैल्यू आ जाएगी 1। c की वैल्यू 1 आते से ही ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में c बराबरी से क्या 1 रखने पर समीकरण 1 में c बराबरी से 1 रखने पर, जब यहां c की वैल्यू को हम 1 रखेंगे तो कंडीशन आएगी log y by x इक्वल टू माइनस log x प्लस 1। दाहिनी ओर से माइनस लाग एक्स को बाईं तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 y by x प्लस लाग एक्स इक्वल्स टू 1। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल धन्यवाद।